उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर के नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशेष तौर पर बधाई देता हूँ और आपके बनने से मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। पार्टी चाहती है कि आप निष्पक्ष होकर बिहार विधानसभा का सत्र चलाने का काम करें। आसन पे एक बार बैठ गए हैं तो सब बराबर है, अब कोई पार्टी नहीं है, तो सबको देख कर के ख्याल रख कर के काम आपको करना है। लंबा अनुभव है आपके पास, 7 बार से लगातार विधायक भी हैं और हम लोग निष्पक्ष ढंग से जनता के साथ खड़े रहेंगे। आग्रह भी करूंगा आपसे कि जिस तरह सभी लोगों ने आपसे आग्रह किया है कि निष्पक्ष होकर पूरा सदन चले। कितने विपक्ष के दलों के नेता हैं, यही हम कहेंगे कि ईमानदारी से जो जमीनी बात है, जो हकीकत है, वो सदन के सामने लाइए। और आप एक लौते हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे जो दोनों, चाहे बिहार बटा हो या बटने के पहले के अध्यक्ष रहे हैं। उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर के नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे और आपका तो अनुभव काफ़ी पुराना रहा है और मंत्री से लेकर के समाज की आप लोगों ने खूब आवाज़ उठाने का काम किया है, जनता की आवाज़ उठाया है, उसका निदान किया है और आपके बनने से मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और इसलिए सभी विपक्ष और पक्ष द्वारा आपको जो है सभी लोगों के सहयोग से आप यहाँ आज बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आपको साथ साथ ये भी भरोसा दिलाते हैं कि बिहार का जो विपक्ष है वो भी जनता के सवाल को उठाते रहेगा और हम लोग निष्पक्ष ढंग से जनता के साथ खड़े रहेंगे और बिहार आगे बढ़े, उत्थान हो, ये हम सब लोग मिलकर के इसी दिशा में काम करें, यही हमारी अपेक्षा माननीय सदन के नेता से भी होगी और सभी मंत्रीगण जो विस्तार होगा उनसे भी होगी और सभी जितने विपक्ष के दलों के नेता हैं, यही हम कहेंगे कि ईमानदारी से जो ज़मीनी बात है, जो हकीकत है, वो सदन के सामने लाइए और पूरा भरोसा अपने स्पीकर पे, अध्यक्ष महोदय पे कीजिए कि क्योंकि पक्ष विपक्ष इनके आसन पे एक बार बैठ गए हैं तो सब बराबर है, अब कोई पार्टी नहीं है, तो सबको देख कर के ख्याल रख कर के काम आपको करना है और हम पूरा सहयोग सदन चलाने में जो मदद हो सकेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको लालू जी की तरफ से भी शुभकामनाएं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। लंबा अनुभव है आपके पास, 7 बार से लगातार विधायक भी हैं और संगठन की भी जिम्मेदारी आपके पास रही है और आप एक लौते हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे जो दोनों, चाहे बिहार बटा हो या बटने के पहले के अध्यक्ष रहे हैं, ये आपके पास अनुभव रहा है संगठन का भी लंबे समय से और मंत्री के तौर पर भी सरकार में आपने अच्छा काम किया, बिहार की सड़कें अच्छी हुई, इसलिए विशेष तौर पर मैं यही आग्रह भी करूंगा आपसे कि जिस तरह सभी लोगों ने आपसे आग्रह किया है कि निष्पक्ष होकर पूरा सदन चले और आप तो गुरु गोविंद सिंह के जी के धरती से आते हैं जिन्होंने पूरा संदेश इस देश के लिए दिया है, सनातन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने का काम किया, तो हम तो यही विश्वास करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने आप पे पूरा भरोसा जताया है। पार्टी चाहती है कि आप निष्पक्ष होकर बिहार विधानसभा का सत्र चलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।